नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की जो हमारे वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मानसून सीजन के 4 महीने जो होते हैं, इनमें ऐसे कौन कौन से फ्लावर प्लांट ब्लूमिंग करते हैं जिन्हें आप अभी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। दोस्तों, मानसून का सीज़न जो होता है 4 महीने का होता है, और इसमें दोस्तों बारिश कभी कभी लगातार होती है, कभी रुक कर होती है, लेकिन बारिश चाहे जैसे भी हो, हमारे यहाँ पे दोस्तों जो हमारे प्लांट होते हैं वो खिलना बढ़ना बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। कुछ हमारे ऐसे गार्डनर फ्रेंड्स हैं या फिर प्लांट लवर्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कौन कौन से ऐसे प्लांट आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं जिनसे आपको ढेरों सारे फ्लावर मिल सकते हैं। कुछ तो परमानेंट है दोस्तों, कुछ सीजनल प्लांट है, तो कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, बताती हूँ नर्सरी से आप अभी कौन से ऐसे प्लांट परचेज कर सकते हैं जो कि मानसून सीजन में बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। नंबर 1 पे दोस्तों हम बात करेंगे, ये खूबसूरत सा वाइन है पेंडोरिया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इसको मैं अभी जल्दी नर्सरी से लेकर आई थी, 60 रुपये का मुझे मिला था। और देख सकते हैं फ्लावरिंग कितनी अच्छे से हो रही है, जैसे गार्लिक क्रीपर के फ्लावर्स होते हैं ना, सेम उसी तरीके से, थोड़ा सा ये मैक्सिकन पिटूनिया से भी मैच कर रहा है। पर दोस्तों ये वाइन है वो बहुत ही प्यारी, इनकी पत्तियाँ भी आप देख सकते हो जैसे चमेली जैस्मिन की पत्तियाँ होती हैं उसी तरीके से हैं। फ्लावर देख सकते हैं, ये रेनी सीजन में दोस्तों बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, आगे की भी करता है या नहीं मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐड कर रही हूँ तो इस ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनके लगाने के लिए मिट्टी दोस्तों मैंने बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल ली, जिसमें गार्डन सॉइल है और सैंड सॉइल है, परमी कंपोस्ट है, इन सबको मिला के मैंने 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है वो है मैक्सिकन पिटूनिया। कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक वीडियो में मेरे बोला था कि हमारे जो मैक्सिकन पिटूनिया है ब्लूम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। कई जगहों पे गर्मी में बहुत कम ब्लूम करते हैं, लेकिन ये जो टाइम है इस टाइम पे आपको भर भर के फूल देते हैं। ये 2 कलर में आते हैं, 3 कलर में, वाइट, पिंक और आप जो ब्लू देखें उस तरीके से रहता है, तो ये तीनों कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। बीच से ही दोस्तों आसानी से इन्हें ग्रो किया जा सकता है। नर्सरी में जाएंगे तो आपको ये पौधे 20 से 25 रुपये के इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो मैक्सिकन पिटूनिया को दोस्तों आप भी चाहे कटिंग से या फिर बीज से जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा खूबसूरत सा प्लांट है दुरंता, और इसको मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ग्रो किया था। देख सकते हैं अब इसमें फ्लावर भी आने लगे हैं, कुछ इस तरीके से ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे टहनियाँ हैं, सारे में अच्छे से आ रहे हैं, और इनको मैंने छोटे से 4 इंच के पॉट में कटिंग से ग्रो किया था। कटिंग बहुत अच्छे से 100% सक्सेस हो गई है, रिजल्ट यही है, देख सकते हैं फूल आ रहे हैं। तो अगर आप लोग नर्सरी में लेने जाएंगे दोस्तों तो आपको थोड़े से मैं नहीं बता सकती सस्ते या महंगे देंगे, लेकिन आपको 30 रुपये से कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लाई थी, मुझे 20 रुपये में मिले था, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे तो 30 या 40 इस तरीके का होता है। ये पूरी बारिश दोस्तों अच्छे से ब्लूम करता है, भर भर के फूल देते हैं, हैंग करने वाले फ्लावर प्लांट होते हैं, कटिंग से भी लग जाती है, इनमें सीड भी दोस्तों होते हैं। सीड का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट कटिंग से 100% ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अच्छे से ब्लूम हो रहा है हमारा एडेनियम, तो बारिश के टाइम में अगर एडेनियम लेने जाते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा, 100, 150 या 80 रुपये में इस तरीके के प्लांट मिल जाएंगे, क्योंकि बाकी सीजन में ये पौधे थोड़े से महंगे मिलते हैं, तो एडेनियम को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा है टिकोमा, इनको गोरी चोरी के नाम से भी जाना जाता है, और इनमें आपको कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी, चाहे येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो। तो एक वाइन होती है, एक ये बुश वाले हैं, ये वाले आपको अक्सर रोड साइड या फिर हाईवे पे नज़र आएंगे, मंचेस में फूल खिलते हैं, बरसात में दोस्तों खास करके ये आपको भर भर के फूल देने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्लांट ऐड करना है तो नर्सरी में लेने जाएंगे तो 60 से 70 या फिर 40 रुपये तक ये पौधे आपको मिल जाएंगे।
तो अगर आपको इस तरीके के फ्लावर प्लांट पसंद है तो इन्हें आप ज़रूर ऐड करें। ये भी एक अलामंडा का प्लांट है दोस्तों, इन्हें भी आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। अलामंडा की वाइन भी आती है, आगे वीडियो में बताऊँगी। और इनमें आपको अलामंडा की पिंक और येलो वाइट भी मिल जाते हैं, वो बुश है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दोस्तों है मधुकामनी। तो मधुकामनी भी रेनी सीजन में दोस्तों बहुत अच्छे से ब्लूम होता है। देख ही रहे होंगे आप गार्डन में किस तरीके से ये ब्लूम हो रहा है। फिलहाल ये वाली हाइब्रिड वेराइटी है, इनकी देसी भी वेराइटी आती है, वो भी अच्छे से खिलते हैं दोस्तों। जो हमारा मधुकामनी है 10-15 दिन के अंतराल में खिलता ही रहता है, खास करके बारिश के सीज़न में। इन्हें भी आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों हमारा खूबसूरत सा गलाडिया। गलाडिया भी रेनी सीजन में दोस्तों बहुत अच्छे से खिलता है। अगर आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 10 से 20 रुपए में ये पौधे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इनका जो सीज़न है ऑफ चल रहा है। लेकिन अगर गार्डन में है तो दोस्तों बहुत अच्छे से खिलते हैं। मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। अगर आप लोग को लाना नर्सरी तो ये सस्ते में मिल जाएंगे, ज़रूर लाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा रंगून क्रीपर है, और इसको मैंने गमले में लगाया हुआ है। और ये दोस्तों मुझे नहीं पता देसी या हाइब्रिड है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे से खिल रहा है। मैं जब से लेकर आई हूँ नर्सरी से इसी तरीके से खिल रहा है। मेरे पास दो वैरायटी है, एक जो मिनिएचर वाली होती है गमले में लगने वाली, वो है ये आई थिंक हाइब्रिड वाली है। और ये मुझे 80 रुपये में मिला था। ये गर्मी और बरसात में बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, मैं जब से लेकर आई हूँ खिल ही रहे हैं। तो जिनके पास होगा आपको पता ही होगा कि ये रंगून क्रीपर कितने अच्छे से खिलते हैं। इनके लिए 12 इंच के गमले में लगाई हूँ मैं सॉयल, बिल्कुल जो मैं हर एक प्लांट के लिए बनाती हूँ, वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉयल, सेंट सॉयल। आप राइस हस्क भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मधुमालती होता है दोस्तों ये पानी ज़्यादा पसंद करते हैं, नमी अगर रहेगी तभी अच्छे से खिलेंगे। तो राइस हस्क बेस्ट है नमी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पोर्चुलाका है। पोर्चुलाका भी जो ये देसी वाले होते हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे रहे होंगे। गर्मियों में दोस्तों थोड़ा सा स्टार्टिंग जब गर्मी होती है ना, उस टाइम पे जो हाइब्रिड वाले होते वही खिलते हैं, ये वाले अभी खिल रहे हैं जो देसी वाले हैं। बारिश में आपको भर भर के फूल देने वाले अगर प्लांट चाहिए तो आप ये वाले मोस्ट रोज पोर्चुलाका ज़रूर ऐड करें। फ़िलहाल ये सारे मैं तो फ्री में ऐड करी हूँ। नर्सरी में लेने जाएंगे तो 10 से 20 रुपए के इस तरीके के पौधे मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर में दोस्तों भी आते हैं। और ये जो आप पिंक और रेड में देख रहे हो ना, ये मैं पिंक कलर का लगाई थी, ये थोड़ा सा सेडेड हो गया खिलने के बाद। और तो बाकी हार्डी प्लांट होते ही हैं, एक बार आ जाएगा कटिंग से आप मल्टीप्लाई करके ढेर सारे बना सकते हैं। तो बिना देरी के आप मोस्ट रोज पोर्चुलाका को भी नर्सरी में ज़रूर ऐड करके लाएं। दोस्तों अगर सर्दियों में मानसून सीजन में अच्छे से भर भर के फूल देने वाला प्लांट लाना है तो आप सॉन्ग ऑफ इंडिया को बिल्कुल भी लाना ना भूलें। इन्हें गोल्डन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट लव के नाम से भी जाना जाता है। और कटिंग से इजली लग जाती है। नर्सरी में लेने जाएंगे तो दोस्तों 60 से लेके आपको ये 120 से 130 इस रुपये इस तरीके के प्राइस में आपको ये पौधा मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैं लाई थी 60 रुपये का। थोड़े से महंगे आते हैं, कलर की अगर मैं बात करूँ इनमें रेड, ऑरेंज और वाइट कलर, गोल्डन कलर बोल सकते हैं आता है। तो एक बार तो फ़िलहाल मैं गोल्डन कलर लगाई थी, हमारा ख़राब हो गया, फिर से मैं लेकर आई हूँ। आई होप ये इस बार चल जाए। तो आप ये रेनी सीजन में दोस्तों भर भर के फूल देते हैं, वैसे हमेशा फूल देते हैं ऐसा नहीं है, मैं रेनी सीजन में खास करके फूल देते हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा, खूबसूरत सा हमारा फर्स्ट लव। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्लांट है प्राइड ऑफ इंडिया है। और दोस्तों ये भी बहुत अच्छे से ये खिलता है, ये रेनी सीजन का ही प्लांट है। अगर आपको लगाना है तो बिना देरी किए हुए इन सारे प्लांट्स को ज़रूर लगाएं। नर्सरी में जाएंगे अगर बड़ा प्लांट रहता है तो 100-150 का 200 तक यहाँ तक की प्राइस रहता है, छोटे लाते हैं तो आपको 60-70 में मिल जाएगा।
तो दोस्तों इन्हें भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करिएगा। मानसून सीजन में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हाइब्रिड रोज़ भी अच्छे से चल रहा है। इंग्लिश हो या हाइब्रिड हो, देसी वाले भी खिलते हैं। इतना तो मैं बताऊँ, विंटर सीजन में नहीं खिलते जितना रेनी सीजन में सारे गुलाब खिल रहे हैं। फूलों का जो साइज होता है दोस्तों थोड़ा सा कम आता है, लेकिन खिलते अच्छे से हैं। तो इन्हें भी आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। 80 से लेके 120 रुपये तक इनकी प्राइस होती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ बर्बीना है। बर्बीना की अगर बात करूँ तो ये 30 रुपये का मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छे से खिलता है। नेक्स्ट यहाँ गोमफ्रेना है, ये भी आपको 20 से 30 रुपये का मिल जाएगा रेनी सीजन में, क्या पूरे सीजन खिलता रहता है। सदाबहार भी, चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो, ये भी देसी वाले थोड़े से सस्ते मिलेंगे, हाइब्रिड वाले आपको 20 से 30 रुपये में इस तरीके से मिल जाएंगे। और हाइब्रिड में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं, देसी वाले में दो पिंक और वाइट कलर मिल जाएंगे, तो इन्हें भी ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बेबी सनफ्लावर है मिनीचर वाले, इनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गुड़हल है। दोस्तों गुड़हल देसी वाले ना बहुत अच्छे से रेनी सीजन में खिलते हैं। इतना हाइब्रिड में हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं देखने को मिलता जितना देसी वाले में खिलते हैं। देसी में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, तो 30 से 40 रुपए के आपको देसी वाले प्लांट मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अलामंडा है। ये वाइन है, बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने इनको अभी एक दो महीने पहले ही गार्डन में ऐड किया है। 60 रुपये मुझे ये पौधा मिला था। अगर आप लोग को भी ये लगाना है तभी चाहिए नर्सरी से, आपको पौधे इस तरीके से तैयार मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ये है चंद्रिका, इनको बोला जाता है। और ये टिकोमा वाइन की जैसे ही है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जैसे टिकोमा बुश हो देता ना वैसे वाइन के तरीके येलो कलर आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं। ये 60-70 रुपये में इस तरीके का इनका दोस्तों प्राइस है। तो अगर आपको अपने गार्डन में ऐड करना है तो इन्हें भी ला के लगाइएगा, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ये खिलेगा, खूबसूरत सा प्लांट। और नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों प्लांट है वो है, ये है चित्रक। ये भी रेनी सीजन में दोस्तों बहुत अच्छे से खिलता है। इनकी अगर मैं प्राइस बताऊँ तो ये भी 40 से 60 रुपये तक की आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको थोड़ा सा लाइट ब्लू मिलता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। गार्डन में अगर ऐड कर लेंगे तो एक बार आ जाएगा, दोबारा आपके गार्डन से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बिना देरी के आप चित्रक के प्लांट को अपने गार्डन में दोस्तों ऐड करें। प्राइस मैंने बताया 40 से 60 रुपये तक इनकी प्राइस है। तो जब भी नर्सरी जाए तो ये पौधा अपने गार्डन में दोस्तों ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है रेनी सीजन में खिलने वाले खूबसूरत से बोगनविला। अगर हम बोगनविला लगाते हैं तो रेनी सीजन ही क्या, हर सीज़न आपको ये भर भर के फूल देते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंस कलर के मिल जाएंगे अगर आप लेने चाहेंगे। जैसे प्लांट रहते वैसे इनकी प्राइस रहती है। और प्राइस बता दूँ मैं आपको, 30 से लेके 80-90 रुपये तक के इस तरीके से इनके पौधे मिलते हैं। जो थोड़े से हाइब्रिड या सेडेड होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बट एक बार ले आएंगे दोस्तों नर्सरी से तो आपके गार्डन फूल उसे भरा रहेगा कोई भी सीजन हो। तो बोगनविला को भी दोस्तों अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा इस रेनी सीजन में। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।